देख रहे थे, ये भी व्यू ले रहा है, व्यू ले रहा है। यहाँ दोनों बच्चों को देख सकते हैं, क्या कर रहा है तुम दोनों, क्या कर रहा है बेटा, यहाँ कार्टून चल रहा है। देखिए आपका बात फिर झूठा होगा, हम इंस्टाग्राम लिख के दे रहे हैं, दार्जिलिंग में आज ओला पड़ेगा, ऐसा लग रहा है बादल के बीच में हम लोग चल रहे हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो मेघालय जरूर जाएंगे। सीधी सी बात है, आपको कहना चाहेंगे थोड़ा सा अपना कम्फर्ट जोन छोड़िए और थोड़ा सा बाहर निकलिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग जी रुक गए हैं एक होटल के पास और बीच रास्ते में आ गए हैं। ड्राइव तो शुरू में हम कर रहे थे लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद ड्राइव करने की। कई बार जैसे गाड़ी बंद हो जाए और पीछे से गाड़ी आ रही होती तो उस समय जो है एक्सीलेटर और क्लच का कंट्रोल अच्छा खासा होना चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि नया नया ही गाड़ी चलाना शुरू की है, ज्यादा चलाई नहीं है, तो इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है। हम जो है रुद्र भाई को दे दिए हैं तो अब रुद्र भाई ड्राइव करेंगे, हमारी हिम्मत यही जवाब दे गई। यहाँ पर जी कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, एक फ्रेंच फ्राई कर दीजिएगा, एक वेज पकौड़ा, एक वेज मोमो और उसके बाद चार कॉफी कर दीजिएगा। एक मिनट बोलिए, एक वेज पकौड़ा, हाँ एक वेज पकौड़ा, एक फ्रेंच फ्राई, एक फ्रेंच फ्राई और उसके बाद एक प्लेट मोमोज, एक वेज मोमो, उसके बाद जो है चार कॉफी कर दीजिएगा, मिल्क कॉफी, हाँ मिल्क कॉफी, एक कॉफी में थोड़ा ज्यादा चीनी डालिएगा। ठीक है। A few moments later. यहाँ पर जी भोजन लगभग समाप्ति की तरफ है और बस यहाँ बचा हुआ है मोमोज, तो उसको खाया जाए। वेज मोमो था नहीं तो वही लेते हम। One hour later. तो हम लोग जी एकदम आ चुके हैं पहाड़ पर और कर्सियोंग के जो है आगे पहुंच गए और अभी बज रहे दोपहर के एक, लेकिन बाहर का जो माहौल देख रहे हैं उसको देख करके कतई नहीं लग रहा है कि अभी दोपहर के एक बजे है, लग रहा है कि शाम का जो है 5-6 बजे के करीब ऐसा माहौल सब होता है। अभी आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं कैसा है। नजारा कुछ ऐसा है जी, देख सकते हैं उधर एकदम है कुहासा अच्छा खासा और ये देखिए जी बगल से है पटरी, तो अभी लगता है टॉय ट्रेन सबको बंद किया गया है क्योंकि जब से हम लोग चल करके आए हैं एक भी टॉय ट्रेन नजर नहीं आई हम लोग को। उम्मीद करते हैं जी टॉय ट्रेन बंद नहीं हो क्योंकि हम लोग सोच करके आए थे कि इस बार जब दार्जिलिंग आएंगे तो टॉय ट्रेन का राइड जरूर लेंगे, क्योंकि जब पिछली बार आए थे तो हम लोग टॉय ट्रेन का राइड नहीं ले पाए थे, बस खाली बगल से देखते रह गए कि टॉय ट्रेन बगल से जा रही है। तो भगवान का नाम ले रहे, मुंह बंद करके रखे मेरा गला बैठ गया, तो देख रहे हैं इसीलिए हम जिया से बुलवा रहे थे ताकि आप लोग गाड़ी रोक के एकदम सेका जाए क्या। अच्छा, अपने के बाद थोड़ा सा और दिक्कत। तो चलिए जी एकदम मजा ले रहे हैं एकदम, और ऐसा ही टेम्परेचर चाहिए था जो सोच करके आए हुए थे, ऐसा ही टेम्परेचर चाहिए था। हमें ध्यान है कि अभी ठीक 20 मिनट पहले जो है अपनी मम्मी को कॉल किए थे और बोल रहे थे कि यहाँ का जो है ना टेम्परेचर बड़ा मस्त है, बहुत तेज धूप है, कटिहार से भी अच्छा मौसम है, ताकि मम्मी को जो है थोड़ा सा दिलासा दे रहे थे कि यहाँ का मौसम जो है अच्छा है, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ज्यादा डर रहे थे पिछली क्रियांश को लेकर के, उनका डर भी वाजिब है लेकिन हमें विश्वास था कि क्रियांश आराम से घूम लेगा और भगवान की दया से अभी तक घूम रहा है, मजे में घूम रहा है। हम लोग जिस पॉइंट में आए हुए हैं यहाँ से तो कुहासा और भी ज्यादा है और देख सकते हैं नीचे का कुछ भी दिख नहीं रहा होगा आपको, खाई के उस पार जो है क्योंकि कुहासा से पूरा ढका हुआ है इधर और बिल्कुल एकदम डीप है, ऐसा लग रहा है बादल के बीच में हम लोग चल रहे हैं। बादल से हमें ध्यान आया जी एक बार जाने का मन कर रहा है मेघालय, तो कभी मौका मिलेगा तो मेघालय जरूर जाएंगे, नाम ही है मेघालय, मेघों का घर है, वहाँ पर वाटरफॉल से बहुत ज्यादा मिलता है, तो एक बार चलना है वहाँ पर, पता नहीं अभी खुला भी है कि नहीं क्योंकि समय समय पर देखते बंद भी होता रहता है। तो जी हमने जो मम्मी को कहा था कि यहाँ पर धूप है अच्छा मौसम है तो हम गलत साबित नहीं हुए, अच्छा खासा धूप है यहाँ पर, बीच में जो है थोड़ा सा जो है बादल सब था लेकिन यहाँ पर एकदम करारा धूप है, देख सकते हैं बाहर। देखिए आपका बात फिर झूठा होगा, हम इंस्टाग्राम लिख के दे रहे हैं। कितना मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 2-3 मिनट में देखिएगा फिर ठंडा लगेगा। तो बाहर देख सकते हैं जी मौसम कितना खुशनुमा है और अच्छा है जी, ऐसा ही मौसम रहे और उसके बाद जो है थोड़ा सा कुहासा सब भी मिले तो और भी मजा आए। छठ पूजा यहाँ भी हुआ था, देखिए छठ पूजा लिखा हुआ है। तो अभी तक कुछ देर पहले जो है हम लोग धूप देख रहे थे, टेम्परेचर का हाल बता रहे हैं, अब जो मौसम वैज्ञानिक बन गए, मौसम वैज्ञानिक, वैज्ञानिक भी नहीं कहिए, समाचार दे रहे हैं मौसम का, दार्जिलिंग में आज ओला पड़ेगा, धूप हो गया। वहाँ से देख रहे हैं जी टॉय ट्रेन को आते हुए, पैसेंजर सब भी बैठे हुए हैं, तो अच्छी खबर है जी टॉय ट्रेन जो है चालू है और कुछ कुछ सीट सब भी खाली है, तो मतलब लगता है सीट सब भी मिल जाएगा हम लोग। तो हम लोग जी पहुंच गए हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन और यहाँ से जो है लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और आगे जो जाम है पूछिए मत, ये देखिए जाम गाड़ी का,
खतरनाक जाम है। देखिए कुछ ऐसा जाम लगा हुआ है, हमको लगता है यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक जाम ही नहीं हो पूरा। क्या हाल होगा इधर? One hour later. तो हम लोग जी पहुँच गए होटल, गाड़ी को यहाँ पर लगा दिया गया है और यहाँ पर जाकर के हम लोग चेक इन करते हैं। पार्किंग का जो है जगह शायद नीचे है, तो फिलहाल चलते हैं, पहले चेक इन का सारा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, फिर गाड़ी को पार्किंग में लगा देंगे। तो होटल में जी हम लोग कर गए हैं चेक इन और यहाँ पर जो है रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं। रूम को भी तैयार किया जा रहा है, तो लगता है कि शायद इस समय अच्छा खासा टूरिस्ट आ रहे हैं। लगता है रूम कोई खाली करेगा और हम लोग को वो रूम मिलेगा, इस तरह का कुछ सीन है। कैसा वो है, बाहर से तो माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर से माहौल अभी तक अच्छा लग रहा है, लेकिन तो अभी तक जी गाड़ी भी हमारी पार्क में लगी नहीं है, तो गाड़ी को भी पार्किंग में लगाना है। तो इंतजार कर रहे हैं कि सबसे पहले जो अपना सारा सामान जो है वो शिफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग जो है पार्किंग में लगा देंगे। और पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा बाहर, अभी तक कुछ हम लोग खाना भी नहीं खाए जब से निकले हैं, थोड़ा सा वो खाए थे पकौड़ी और वो सब, लेकिन जो प्रॉपर खाना होता है दिन का वह अभी तक नहीं किया, हम लोग को लंच करना है। और यहाँ पर जो है क्रियांश सो रहा है, अच्छा है कि अभी जितना देर सो रहा है अच्छी बात है, और जब जगेगा कोई बात नहीं खेलेगा उसके बाद। फिलहाल यहाँ पर पोज दिया जा रहा है फोटो के लिए, रुद्र भाई को ध्यान आया कि एक भी फोटो नहीं लिया जा रहा है, वीडियो तो बहुत लिया है बट फोटो नहीं है। 20 minutes later. तो हम लोग जी अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है हम लोग जा रहे हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए, और पार्किंग का बड़ा जैसा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर ज्यादातर होटल के पास जो है अपनी पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होती। तो फाइनली जी गाड़ी को तो हमने पार्क कर दिया है, उसके बाद आ गए हैं रूम के अंदर। तो दो रूम लिया है हम लोगों ने और दोनों रूम जो है काफी अच्छा है, बढ़िया, बहुत सुंदर रूम है, पहले रूम से काफी अच्छा है। बिल्कुल, पहला वाला जो रूम था हम लोग बस वैसे ही लिए थे कि हम लोग को एक रात किसी तरह से स्टे करना है, और कोई ऐसा जो है प्लान भी नहीं था कि कोई अच्छा होटल होना चाहिए। लेकिन जब दार्जिलिंग आए थे तो सोचे थे कि नहीं अच्छा होटल होना चाहिए, ताकि आराम से होटल के अंदर ही थोड़ा देर रह के एंजॉय कर सके। घूमना फिरना तो चलेगा ही, लेकिन पहले थोड़ा होटल में रह करके व्यू ले। और यहाँ पर जिया आ गई है और क्रियांश भी साथ में आ गया है, और ऐसा करते हैं आपको यहाँ का जो एक टूर दे देते हैं, काफी एक डिसेंट सा होटल है आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ भी जी हमें मिला हुआ है केटल पानी सबको गर्म करने के लिए, और साथ में पानी सब पहले से बोतल समय दिया हुआ है, और कॉफी है और बहुत तरह का चीज सब है, ब्लैक टी भी दिया हुआ है, कॉफी भी दिया हुआ है और चाय भी दिया हुआ है। तो ये सब कुछ है। और उसके बाद यहाँ पर बैठने का एरिया और यहाँ पर है टेबल, और उधर से रोड साइड व्यू है। रोड साइड के जगह अगर हमें माउंटेन व्यू मिल जाता तो काफी अच्छा रहता, जिसके लिए हम लोग को 700 रुपया अधिक पे करना था। तो हम लोग सोचे थे आ करके देखेंगे, तो जब तक हम लोग यहाँ आए तब तक यह रूम जो है बुक हो चुका था। और यहाँ बेड देख सकते हैं अच्छा साइज का है, एक कपल के लिए और एक बच्चे के लिए काफी है, मोर देन इनफ है यह साइज, मुझे लगता है यह क्वीन साइज बेड है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ अपना दिया हुआ है टेलीफोन, यहाँ से जो है आराम से अपना रिसेप्शन को कॉल लगाइए। इसे नंबर देखिए दिया हुआ है, 9 नंबर दिया हुआ है रिसेप्शन के लिए, 6 नंबर रूम सर्विस के लिए, 7 नंबर हाउसकीपिंग, स्पा के लिए 8 नंबर। जी हाँ, इस होटल में स्पा की भी फैसिलिटी है, आज तक हमने स्पा नहीं करवाया, पता नहीं स्पा क्या होता है और क्या नहीं होता है। हाँ, स्पा का ध्यान आया, एक बार करवाए थे हेयर स्पा करवाए थे, हाल तो इधर लग रहा था पैसे बर्बाद हो गए 1000 रुपए, कुछ नहीं बस फर्जी पता था वो सब। यहाँ जो स्पा होता होगा शायद शरीर में होता होगा मालिश वालिश सब, ठंड के मौसम में क्या मालिश करवाएंगे, वैसा कुछ पैर दर्द और इस तरह का कुछ तो है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो मजा ही आ रहा है। सही बात कहे पहाड़ में थकावट जरूर होती है, लेकिन उस थकावट के बाद जब हम अपने घर पर पहुँचते हैं, रूम पर पहुँचते हैं, किसी व्यू पॉइंट पर पहुँचते हैं, सारी थकावट जो है दूर हो जाती है। तो अब ऐसा करते हैं ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, अब आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ का देख सकते हैं एक दिया हुआ है कवर्ड जो कि काफी अच्छा है, देख सकते हैं लुक कितना अच्छा लग रहा है, मुझे लुक बड़ा ही प्यारा लग रहा है यहाँ का। और टीवी एक बड़ा जैसा है, मुझको लगता है 43 इंच का होना चाहिए यह टीवी, और साथ में मिरर जिसके सामने खड़े होकर के आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसका जो बाथरूम है अच्छा है, मुझे लग रहा था बस इतना ही बाथरूम होगा यहाँ तक, लेकिन बाथरूम उस साइड भी है, अच्छा है, बाथरूम प्लस वॉशरूम सब साथ ही है। और टॉवेल जो है 4-4 टॉवेल दिया हुआ है, सोचिए हमें एक दिन रहना है लेकिन 4 टॉवेल दिया हुआ है, तो अच्छा है जी। तो पैसे लिए हैं तो अच्छा सा सर्विस भी दे रहे हैं, और साथ में हेयर ड्रायर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर गीजर दिया हुआ है, तो लगभग सारी फैसिलिटी जो एक होना चाहिए एक अच्छे होटल में, तो वो सब सारी फैसिलिटी हम लोग को यहाँ पर मिल रही है। तो अब ऐसा करते हैं जी, जाते हैं नीचे, नीचे जा करके जो है वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं, वाईफाई बहुत जरूरी है क्योंकि जी हम लोग को जो है वीडियो टाइमली अपलोड करना होता है, ताकि आप लोग को जो है टाइमली व्लॉग मिल पाए। और क्या होता है जब रियल टाइम में वीडियो डाल रहे होते हैं, इनकी जब ट्रेवल कर रहे हैं उसी समय वीडियो डाल दो तो उसका मजा अलग होता है, आप लोग को भी मजा आता है कि रियल टाइम वीडियो एकदम अपडेट होते जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि रियल टाइम वीडियो यहां से डालते रहे। तो हम लोग आ गए हैं जी छत के ऊपर, और यहां से जो
व्यू मिल रहा है जी, बहुत ही जबरदस्त व्यू मिल रहा है, बहुत ही मजेदार व्यू आ रहा है और मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, भले ये बात है कि थोड़ा सा तो ठंड का खतरा है, लेकिन कोई बात नहीं जी, ट्रिप पर आए हैं, थोड़ा सा इतना तो मजा लेना ही चाहिए। ठंड का क्या बात है जी, पूरा पैक है एकदम, खाली सिर मेरा बचा हुआ है, सिर को क्या ढकेंगे जी, कम से कम इतना तो फील होना चाहिए कि ठंड यहाँ पर आ रहा है, ठंड हाथ पे आ रहा है, मजा आ रहा है जी कसम से। और हम तो कहेंगे जी, बहुत लोग जो है देखते हैं ट्रिप करने से थोड़ा झिझकते हैं, कई लोग जो है टूर को बहुत ही गलत नजरिया से देखते हैं। पीछे टॉय ट्रेन की आवाज आ रही है, मेरा मन है कि यहाँ पर आए हैं तो टॉय ट्रेन का राइड जरूर ले। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। तो ये बात कर रहे हैं जी, लोगों को घूमना चाहिए, अपने घर का जो एक डेली लाइफ है ना और एक जो बिजी रूटीन है जॉब का, उससे बाहर निकल करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा सा घर से बाहर निकलना चाहिए। भगवान ने हम लोगों की आंखें दी है तो सुंदर सुंदर चीजें देखना चाहिए, दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं, सब कुछ देखना चाहिए हम लोगों को। मेरा तो जी बचपन से मन रहा है कि हम बहुत ट्रेवल करें, अच्छा खासा घूमें। मेरे जितने भी सर्कल में हैं, सभी लोग जो है घूमने के काफी ज्यादा शौकीन हैं, लेकिन जो है हर कोई इस तरह से घूम नहीं पाते, क्योंकि किसी का जो जॉब है वह इस तरह का जो फ्लेक्सिबल है नहीं, तो इस वजह से इस तरह से घूम नहीं पाते हैं वह, उनको इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती। भगवान दया से मेरा ऐसा जॉब है कि मुझे छुट्टी मिल जाती है, कि मैं जब भी चाहता हूँ अपना घूम लेता हूँ, मजे कर लेता हूँ, और भगवान दया से ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं जिससे अपना परिवार चल जाता है। चलिए जी, अपनी तारीफ बहुत ज्यादा हो गई, सीधी सी बात है आपको कहना चाहेंगे, थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़िए और थोड़ा सा बाहर निकलिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन दुनिया है। अपना जो ये आंख है ना, इसी आंखों से देखिए तो दुनिया में क्या क्या है। घर में रहेंगे, घर का जो एक सीमित चीज है वही देख पाएंगे, लेकिन घर से जब बाहर निकलेंगे तो मालूम चलेगा दुनिया में कितनी अलग तरह की चीजें हैं, कितनी सारी खूबसूरत चीजें हैं, वह तो देखिए एक बार बाहर निकलकर। अभी बज रहे थे शाम के 6:30 और मौसम जो है लाजवाब है, जितनी ज्यादा ठंड हो रही है उतना ज्यादा मजा आ रहा है। तो हम लोग को लगी है भूख है, क्योंकि सुबह से जो है हम लोग कुछ ऐसा प्रॉपर खाना नहीं खाए थे, यहाँ पर भी आए तो कुछ ना कुछ अपना पकोड़ा और इस टाइप का कुछ चीज जो है मंगा ली है, खाना नहीं खाई, पता नहीं क्यों नहीं किसी का खाने का मन किया। लेकिन अब जो है रात हो गई है, लेकिन इस समय जो है एक प्रॉपर खाना चाहिए हमें, तो हम लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकल करके जो है कुछ लेंगे। जिया और पूजा जी यही रहेंगे, वो लोग क्रियांश और शिवांश को संभालेंगे, फिर हम लोग चलेंगे बाहर और वहाँ से जो है हम लोग अपना जो भी खाने का सामान है वो लेकर के आ जाते हैं। सोचे थे कि नीचे रेस्टोरेंट है, यहीं पर जाकर के खा लेते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में भी खाने में जो है थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो हम लोग जब जाएंगे वहाँ पर जो है क्रियांश और शिवांश को अगर लेकर के गए, वो दोनों सोए हुए हैं, तो दोनों जग जाएंगे, जैसे ही जग जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि उन लोग को जो है जगाए, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम लोग बाहर चले और बाहर चल करके कुछ अपना खाने के लिए सामान लेते आए। रुद्र भाई जो है यहाँ पर अपना बैग लेते आए हैं, क्योंकि हो सकता है कि होटल में अलाउ नहीं हो बाहर का खाना यहाँ पर लाना, तो हम लोग जो है चल रहे हैं और चल करके कुछ लाते हैं। जी होटल की मुझे ये बात काफी गड़बड़ लगती है कि आप लोग जो है बाहर से कोई भी खाना नहीं ला सकते। जी हमारी मर्जी, हम जहाँ पर खाए, आपका कॉस्ट जो है ऑलरेडी अच्छा है, लगभग 4,000 रुपया पर डे का हम लोग जो है पे कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पर नॉर्मल होटल जो है 1500 से 2000 के बीच में हम लोग को मिल जा रहा है। लेकिन फिर आप अचानक से कहेंगे कि नहीं बाहर का खाना आप नहीं ला सकते, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। तो अगर ये लोग अलाउ नहीं करेंगे कि बाहर का खाना नहीं ला सकते तो हम लोग बाहर ही खाएंगे, तो हम लोग जो बाहर ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो होटल का कॉस्ट है बहुत ही ज्यादा है, लगभग 4 times ज्यादा ये लोग ले रहे हैं चार्ज, तो इससे अच्छा है कि हम लोग बाहर चलते हैं, बाहर चल करके अपना कुछ खा लेते हैं। 20 minutes later तो हम लोग निकल के हैं जी मार्केट की तरफ, और यहाँ से जो है कुछ खाना हम लोग को लेना है, और हम लोग जो है जाते जाते जो है ना एक स्पॉट पर रुक गए, क्योंकि यहाँ एक हमें व्यू बहुत जबरदस्त सा मिल गया है। तो देख सकते हैं पीछे, देख रहे हैं चर्च, तो यह लग रहा है अंग्रेजों के जमाने से शहर बनाया गया होगा। जब हम लोग दिन के समय आए थे उस समय भी अच्छा लग रहा था, लेकिन कह सकते हैं उस समय उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना अभी अच्छा लग रहा है, और वजह है इसकी लाइटिंग। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, और वो सभी लोग जो है फोटो सब ले रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं, देख रहे हैं कोई एक अच्छा सा हम लोग को ढाबा मिल जाए जहाँ से हम लोग खाना अपना उठा ले, क्योंकि यहाँ पर जितना सारा रेस्टोरेंट देख रहे हैं सभी होटल के साथ ही है, तो होटल के साथ जो भी रेस्टोरेंट होंगे इतना तो एक्सपीरियंस है ट्रेवलिंग का कि सारा कॉस्टली होगा फूड। तो हम सोच रहे हैं कि एक प्रॉपर रेस्टोरेंट मिल जाए, एक प्रॉपर ढाबा मिल जाए जहाँ से हम लोग खाना उठाए, और खाना जो है थोड़ा हम लोगों को सस्ता मिल जाए। The next day. तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम जो है सो करके उठ चुके, नहाना ब्रश करना फ्रेश होना सब कुछ हो चुका है, और हम लोगों के लिए अभी आई हुई है कॉफी, तो कुछ कॉफी मंगवाया हमने। तो ऐसा करते हैं पहले कॉफी पीते हैं और उसके बाद बाकी का काम करते हैं। और इधर क्रियांश की मालिश हो रही है, तो क्रियांश अपना मालिश करवा रहा है। यहाँ दोनों बच्चों को देख सकते हैं, क्या कर रहा है तुम दोनों, क्या कर रहा है पिता? यहाँ कार्टून चल रहा है, क्रियांश सोच रहा है भैया मुझसे बात करे, है ना भैया कार्टून देख रहे हैं, भैया कार्टून देख रहे ना।
A few moments later. यहाँ पे हमने लिया चाय और ब्रेड आंध्र प्रदेश बबुआ। क्या खाना है बेटा आपको? बेटा देख रहे थे उधर। हाँ। ये भी व्यू ले रहा है। व्यू ले रहा है। इतना वेट किया आप लोगों किधर चले गए थे? ऊपर गए थे शिवांश को थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। क्रियांश भी मांग रहा था लेकिन नहीं खिला।